हम लोगों को बड़ी चिंता है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के खाते के 15 करोड़ रुपए कहाँ गए, पीएम केयर फंड में जो है 60,000 करोड़ रुपए आए वो कहाँ गए, इसकी कोई चिंता नहीं करता नहीं, तो हम लोग ऐसे लोग हैं जो पता चला कि पेड़ के लिए तो लड़ नहीं रहे, जो आम की सूखी हुई गुठली है वो कहाँ गायब हो गई उसको ढूंढ रहे हैं। तो मोदी जी जो है ट्रंप से ज्यादा अकलमंद है। दोस्तों आदाब, मैं नीस अहमद खान हिंदवाज से आपसे मुखातिब है। मेरे साथ हैं रविंद्र कुमार जी, समाजसेवी हैं और बड़ा अच्छी पकड़ रखते हैं और बड़े सहल लफ्ज़ों में बताते हैं कि देश की स्थिति क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका रविंद्र कुमार जी हिंद वॉइस में। आप तो आते ही रहते हैं और अब आप फैन फॉलोइंग बहुत है आपके हमारे यहाँ। आप ये बताइए कि जो देश की GDP वगैरह का हाल चल रहा, तो कहने से बेकार है क्योंकि -23 तो कई दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए, तब तो कुछ माइनस में कुछ और आगे हुई, बढ़ोतरी तो कहीं देखी नहीं है। लेकिन उसके साथ एक चीज़ बड़ी अच्छी शुरू होती है कि कल के अखबारों में आया है कि यूपी में ग्रोथ हो गई है, एकदम से वहाँ फैक्ट्रियाँ लगने लगी हैं और ये सारा सब उधर चलने लगा है वहाँ पे, और जितने भी BJP शासित राज्यों में तरक्की हो गई जी। तो और अच्छा एक चीज़ और उन्होंने होगी, जैसा कि लोग कहते हैं कि अब आएगा एक और सर्वे कि मोदी जी बहुत पॉपुलर हो गए हैं। ये सब चीज़ें इसी टाइम पे आती हैं। हालांकि सबको पता है कि 15 करोड़ से ज़्यादा नौजवान बेरोजगार हो गया था जी आपसे कुछ दिन पहले तक, अब और होता चला जा रहा। तो खुद सरकार ही निकाल रही है, बिल्कुल 50 साल जो पूरे हुए कि नहीं हुए क्या पता, वो निकाल देती जिसकी वो नहीं हो सकती जी। तो ये इस तरीके से चल रहा है, तो देश का तो छोड़िए, मैं पूछता हूँ कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये उसको कबूल क्यों नहीं करते कि हाँ GDP इतने नीचे पहुंच गई है, उसकी वजह ये रही है, वजह कोई बताते नहीं। वजह तो ये है कि अगर आप माने कि हम कहें कि ये डॉक्टर अगर ये ना माने और डॉक्टर ये कहे कि भाई ये मरीज लाए हो ये मर गया, तो अगर वो डॉक्टर सीधा कहते मर गया है तो आप सीधा मरीज को लेंगे और सीधा जो है शमशान घाट या कब्रिस्तान वाले जाएंगे जी। अच्छा डॉक्टर क्या करेगा, कहेगा पहले इसको मैं टेस्ट करता हूँ, फिर कहेगा इसकी हालत बड़ी नाजुक है इसे ICU में भर्ती करता हूँ, फिर हम इसको वेंटिलेटर पे लगा देंगे, और डॉक्टर का बिल जो है धड़ बढ़ता रहेगा और आपको भी उम्मीद रहेगी कि हाँ जी मरीज शायद बच जाएगा, और डॉक्टर जब तक आपको 5-6 लाख रुपए ना ले ले तब तक ये माना जाएगा कि डॉक्टर का जो महीने का कोटा है जो अस्पताल से उसका रिलेशन है कि तू हमें ला कर इतने पैसे देगा तब हम तेरे को तनख्वाह देंगे तो वो देगा। तो जो सरकार चलाने वाले हैं वो भी यही तरीका देश के लोगों के साथ अख्तियार कर रहे हैं। वो बताते हैं लोगों को कि आपकी GDP जो है गिर रही है, जितने भी मानक दुनिया में हो सकते हैं किसी भी देश की प्रगति के या विनाश के, अगर उन पे आप नापोगे तो पाएंगे कि हिंदुस्तान की GDP गिर रही है। अभी एक सर्वे आया आपने देखा होगा IMF का, IMF ने G20 के देशों के बारे में बताया कि हिंदुस्तान की जो GDP है वो सबसे ज़्यादा गिरी है, और वो GDP का जो आंकड़ा है वो बेसिकली 23.9% नहीं है बल्कि वो 26.6% है। अच्छा और नीचे 26.6% है, और उसमें दिखाया गया कि चीन की जो GDP है वो 3.2% नहीं बढ़ी, वो 12.3% बढ़ी। ये असली आंकड़ा है जो गीता गोपीनाथन जो IMF की चीफ एडवाइज़र है उसने जारी किया और सारे अखबारों में आया भी। लेकिन उस बीच ही जो आप देखेंगे जैसे ही आया तुरंत जो है बहुत सारे फर्जी आंकड़े और फर्जी जो है तरीके से मैप पे बना के दिखा दिया गया कि जी हमसे ज़्यादा GDP तो जो है अमरीका की गिर गई 30%। तो मोदी जी जो है ट्रंप से ज़्यादा अकलमंद है, और ये दिखा दिया कि ट्रंप से ज़्यादा अकलमंद है ट्रंप से, क्योंकि मुकाबला दुनिया में दो ही लोगों का है, दो ही देशों का मुकाबला, एक इंडिया एक अमेरिका है। अच्छा इन दोनों देशों में है वो दिखाएंगे, हेड का मुकाबला है, उनके हेड का मुकाबला है या टेल का मुकाबला है ये तो नहीं पता, लेकिन आप देखेंगे कि सबसे नंबर अभी अमेरिका है कोरोना में, हम उसके पीछे हैं तो हम उसका पीछा कर रहे हैं, हम एक दिन उसको पछाड़ देंगे क्योंकि मोदी जी ट्रंप को कभी भी पछाड़ सकते हैं। तो आप देखेंगे कि उन्होंने एक फर्जी आंकड़ा आया और वो लगा दिया। अब सवाल ये आता है कि अगर देश की इकोनॉमी गिर गई है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदुस्तान की जो हमने इकोनॉमिक सर्वे जारी किया था 2020-21 का, उसमें ये कहा था कि हिंदुस्तान की टोटल इकोनॉमी जो है वो 145 लाख करोड़ रुपये की, तो 145 लाख करोड़ की अगर इकोनॉमी में से हम लोग जो है 25.6% गिरा दें घटा दें परसेंटेज वाइज तो हमारी इकोनॉमी रह जाती है 108 लाख करोड़ रुपये की, यानी वो इकनॉमी जो मनमोहन सिंह के टाइम में आए जब मनमोहन सिंह ने सरकार छोड़ी थी तो वो इकनॉमी 122 लाख करोड़ रुपए की थी, और जब मनमोहन सिंह को वो इकनॉमी मिली थी तब उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में हमारी इकनॉमी जो थी वो 46,000 करोड़ रुपए की थी,
तो मनमोहन सिंह के टाइम में 2007 में इकोनॉमी जो है पहली बार 1 ट्रिलियन की हुई और 2014 में 2 ट्रिलियन की होगी। तो उस हिसाब से हमारी इकोनॉमी आज जो है 7 साल बाद जो है मोदी जी के नेतृत्व में, जो कि बड़े चमत्कारिक नेतृत्व है, तो हमारी कम से कम 4 ट्रिलियन होनी चाहिए थी, लेकिन हम कहाँ पहुँच गए, 1.5 पे। तो बात यह है कि सरकार जो है सोचती है कि हम जो है आपको झूठ बोलकर बहका लेंगे। उनके कब्जे में क्या है, उनके कब्जे में जो है अखबार है, उनके कब्जे में जो है चैनल है, तो वो समझते हैं चैनल वाले लोग जो है हम ये दिखा सकते हैं कि आज जो है मोदी जी ने कहा रात है तो रात है, दिन है तो दिन है, चाहे सूरज उगे या ना उगे। हाँ, जैसे सुशांत राजपूत कौन है उसका दिखाई पड़े हैं। अब हिंदुस्तान के मैं हमेशा कहता हूँ सुशांत राजपूत के बारे में बच्चा बच्चा इतना जानता है कि गांधी जी के बारे में नहीं जानता, नहीं जानता। लगता है थोड़े 100 साल बाद लगेगा, लोग कहेंगे सुशांत सिंह राजपूत कोई महान चक्रवर्ती सम्राट हुआ था हिंदुस्तान का, जिसके बारे में सब लोग सब बात चीज़ें जानते हैं। और झगड़ा किस बात का है, झगड़ा यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के 15 करोड़ रुपये उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, जो उनके साथ रहती थी, जो उनकी बीवी नहीं थी, जो उनकी प्रेमिका थी, जो उनको नशा करवाती थी, वो हजम कर गई। हाँ, जो फिल्म इंडस्ट्री में आम रिवायत है। नहीं नहीं, मैं मान रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि हम लोगों को बड़ी चिंता है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के खाते के 15 करोड़ रुपये कहाँ गए। कहाँ गए, अच्छा। यानी आप उसके दूसरे और देखें तो पीएम केयर फंड में जो है 60,000 करोड़ रुपये आए, वो कहाँ गए इसकी कोई चिंता नहीं करता। नहीं, उसके यानी 60,000 करोड़ रुपये जो पीएम केयर में आया उसका क्या दुरुपयोग, क्या सदुपयोग, क्या इस्तेमाल हो रहा है, उस पर देश की जनता या चैनलों को या अखबारों को कोई चिंता नहीं है। सिर्फ 15 करोड़ रुपये जो एक आदमी ने कमाए थे उसे कहाँ खर्च कर दिए और किसके पास गए, इसके लिए सीबीआई भी लगी हुई है हमारी, उसके लिए हमारी जो है ईडी भी लगी हुई है, उसके लिए हमारा जो क्राइम वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो भी लगा हुआ है। यानी कि पूरी भारत सरकार, पूरी सुप्रीम कोर्ट, पूरी यानी जनता, पूरी पुलिस एक चीज़ जानना चाहती है, 15 करोड़ रुपए गए कहाँ। जैसे वो अगर मिल जाएंगे तो हिंदुस्तान जो है स्वर्ग बन जाएगा और अमेरिका बन जाएगा, जीडीपी एकदम से बढ़ जाएगी और जीडीपी पता नहीं क्या हो जाएगा। और जो 60,000 करोड़ रुपये पीएम केयर में गए हैं उसके बारे में सब लोग चुप हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कहती है तुम्हें नहीं बताएंगे, सरकार भी कहती है तुम्हें नहीं बताएंगे, पीएमओ भी कहता है तुम्हें नहीं बताएंगे। तो जनता का पैसा जो गया है उसके बारे में चिंता नहीं है। तो हम लोग ऐसे लोग हैं जो पता चला कि पेड़ के लिए तो लड़ नहीं रहे, जो आम की सूखी हुई गुठली है वो कहाँ गायब हो गई उसको ढूंढ रहे हैं। अच्छा, जहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात शुरू किया तो वकील है सुप्रीम कोर्ट के, जो एक चीज़ चल रही है, अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस का तब रिटायरमेंट मिश्रा का, तो उनके जो फैसले हैं उनकी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही, जो चाहते चाहते उन्होंने 70 किलोमीटर में जो झुग्गियाँ फैली हुई थी उन्होंने कहा इनको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दो, तोड़ दो, इसके पहले वो मोदी जी की तारीफ कर चुके हैं। तो अब जब ऐसा होने से ऐसे जज के आगे हो जाते हैं, पॉइंट कैसा है आप? तो देखिए जज का काम है न्याय करना। अच्छा, आपके सामने जो फैसला आए मैं आपसे पूछूँ कि सच क्या है झूठ क्या है तो आप बता सकते हैं, लेकिन सच और झूठ की जगह अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप जो है मैं एक एजेंडा लेके आऊँ कि मुझे इस आदमी की बड़ाई करनी है, इस आदमी को फ़ायदा पहुँचाना है, तो आप देखेंगे अब जो बाद में खुल के बात आ रही है कि उन्होंने जो 5 फैसले किए हैं उससे अडानी को फ़ायदा हुआ, अडानी के फिर में फैसले किए। अब रेलें बिकेंगी तो रेल बिकेंगी तो बिकने वाला आदमी चाहेगा भाई मैं वो झगड़े की प्रॉपर्टी नहीं लूँगा, वो प्रॉपर्टी लूँगा जो नीट एंड क्लीन होगी, खाली होगी। तो ये काम जो है रेलवे का खाली कराने का एक राजनीतिक काम था, उसको जज ने कहा कि इसको कोई नहीं सुनेगा। तो एक एजेंडा अगर जज के पास है पर्टिकुलर और उसके पास एक आदमी के पक्ष में सारी बातें हैं, तो आप ये समझेंगे इंदिरा गांधी के टाइम में सवाल आया था कि कमिटेड जुडिशरी होनी चाहिए, निष्ठावान जुडिशरी होनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि जस्टिस जो अरुण मिश्रा हैं वो एक निष्ठावान जज थे, उनकी निष्ठा देश और संविधान के प्रति नहीं थी, उनकी निष्ठा मोदी जी के प्रति थी और कुछ चंद पूंजीपतियों का लेकर मोदी जी के चले। नहीं, वही तो निष्ठा तो आपकी संविधान के लिए होनी चाहिए, आपने शपथ तो संविधान के लिए जज लेता जज के। और इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में मिश्रा जी के जितने भी फैसले हैं अगर उनको चैलेंज किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट को उन फैसलों को न्याय और कानून और सत्य के सिद्धांत के आधार पर बदलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये चीज़ें बदलेंगी। हाँ, क्योंकि उन्होंने जो जाते जाते अंबानी को काफ़ी फायदा पहुंचा, अडानी सारे फैसलों में अडानी को फायदा पहुंचा। अडानी तो आप देख जानते ही हैं मोदी जी के ही बनाए हुए हैं, 2014 से जो उनकी तरक्की शुरू हुई है अब जाके, और ये जो जगह खरीदने वाली बात है कि वो जो रेलवे खरीदेगा वो जमीन खरीदेगा, रेलवे में फ़ायदा होना हो जमीनों में बड़ा फ़ायदा, कॉलोनी भी बन सकती वहाँ पर, फैक्ट्री भी लग सकती है, हॉस्पिटल्स भी बन सकते, बहुत जमीन। देखिए ऐसा है अगर आदमी फायदे और नुकसान के हिसाब से देखना लगे
तो मैं समझता हूँ कि लोग अगर फायदे और नुकसान की बात आ जाएगी तो लोग अपने माँ बाप को जो है घर से बाहर निकाल देंगे, कहेंगे बुढ़ा है अब ये किसी काम का नहीं है, बूढ़ा बैल हो गया है, ये खाता है और हमारी चारपाई तोड़ता है, इसे बाहर निकाल दो। माँ के बारे में भी ये कहेंगे अभी बुढ़िया हो गई किसी काम की नहीं है। थोड़े दिन बाद लोग कहेंगे राष्ट्रपति भवन किस काम का है, ये बेच दो यहाँ पर बहुत पैसा मिल जाएगा। तो अगर देश इस तरह सोचने लगेगा संस्थाओं के बारे में, और हम भी ये सोच सकते हैं थोड़े भाई ये पार्लियामेंट के लोग करते क्या, ये सारे जो है सांड डूबे जा रहे हैं, देश का पैसा बर्बाद करते, इनको हटा दो। तो जिस भी देश में आप देखेंगे तानाशाही आई है, चाहे वो हिटलर ने, हिटलर की बात मुझे याद आती है बार बार, इस सरकार की पता नहीं क्या बात है कि हिटलर ने अगस्त 1933 में वहाँ की जो रिस्टैग थी जिसे हम संसद बोलते हैं उसको इस बात में बिल्कुल नकारा कर दिया था कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सारी ताकत तो करना तो मुझे है, सारी ताकत मेरे पास है। तो जब सरकार ये सोचे कि हमें चीज़ों की महत्व क्या है, थोड़े दिन बाद लोग कहेंगे मंदिर की भी क्या ज़रूरत है। गली के मंदिर में आप देखेंगे, जो दिल्ली शहर का तो मैं कह सकता हूँ कि जितने भी मंदिर है पुराने मंदिर, हाँ, वो सारे जो है मंदिर जो है धीरे धीरे क्या बन गए, वो दुकानें बन गई, मार्केट बन गई। और सदर बाजार में सदर थाने के सामने एक मंदिर है, मैंने उसके खिलाफ़ आंदोलन भी कई बार चलाया था, तो वो पहले ज़मीन पर था, फिर वो फर्स्ट फ्लोर पे गया, फिर वो सेकंड फ्लोर पे गया, आज वो मंदिर फोर्थ फ्लोर पे है। अब बताइए फोर्थ फ्लोर पे अगर शिव मंदिर होगा तो कोई बुजुर्ग जिसे जाना है वो बेचारा चढ़ेगा कैसे? तो इसका मतलब यह है कि ये जो प्रवृत्ति है बाजारूकरण की, बाजारीकरण की, गवर्नमेंट खुद कहती है मैं मोनेटाइज करना है चीज़ों को, जंगल को, खेत को, खलिहान को, रेल की पटरी को, सबका मोनेटाइज करना है कि इनकी वैल्यू क्या है, और वैल्यू करके उसको निकाल के खाना है। तो आप समझिए आने वाले समय में आप एक व्यापारी की तरह से सोचेंगे, एक देशभक्ति की तरह नहीं सोचेंगे। तो अब सारी बातें बता रहे हो, चलते चलते एक बात और बता दीजिए आखिर में कि कंगना रनौत, एक रनौत भी कहलाती है, रनौत कहलाती है, वो बड़ी उनको वाई प्लस सिक्योरिटी दे दी गई, क्योंकि उन्होंने अभी सुशांत सिंह की बात चल रही थी तो उन्होंने रिया क्या किस पे झगड़ा किया, वो भी कोई झगड़ा नहीं था, वो तो बहुत बोलती हैं, उन्होंने बोल दिया कुछ तो उनको वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई है, सोनिया गांधी वगैरह से सारी सिक्योरिटी हटा ली गई। तो वाई प्लस सिक्योरिटी क्या इस तरीके से बताशों की तरीके से बांटने की चीज़ है क्या? नहीं नहीं, सरकार को जैसे आप कुत्ता पालें एक, तो उस कुत्ते को आप सुरक्षा दोगे नहीं दोगे? जो बढ़िया पोमेरियन डॉग होता है उसे आप सड़क पे लेके जाओगे तो जो सड़क के कुत्ते हैं वो आपको उसको नोच नोच के ख़राब कर देंगे, तो उसके साथ आपका नौकर जाएगा, डंडा साथ लेके जाएगा। तो कुत्ता भी पालना है और उस कुत्ते की सुरक्षा भी करनी है। तो कंगना रनौत को जो सिक्योरिटी दी है वो गवर्नमेंट ने इसलिए दी है कि उन्हें छोटे छोटे पोमेरियन कुत्ते चाहिए होते हैं जो विपक्ष पे भौंक सकें। और आप देखेंगे कि दूसरी ओर जो है विपक्ष का आदमी जो सरकार पे भौंकेगा उसको कहेंगे इस पर यूएपी लगा दो, इसको जो है कोरेगांव वाले, भीमा कोरेगांव वाले में बंद कर दो। तो सरकार की एक प्रवृत्ति है कि जो हमारे खिलाफ बोले उसको जो है दंड दो, और जो हमारे पक्ष में बोले उसे गोद में बैठा के जो है आप पनीर के टुकड़े खिलाओ, वो मांस खिलाओ। जैसे कि अभी मोदी जी ने पिछली बार अभी मन की बात में कहा कि कुत्ता पालना चाहिए, तो मुझे कई लोगों ने कहा भाई कुत्ता क्यों पालना चाहिए, तो गाय पालने वाले लोग हैं। तो मैंने उन्हें कहा ये लोग जो है RSS के लोग ये मीट खाते हैं, अब मीट खाने के लिए जब ये कसाई की दुकान पर जाके मीट खरीदेंगे तो लोग कहेंगे गमछा पहन के राम भक्त आदमी मीट क्यों खरीद रहा है, तो वो कहेंगे हैं ये तो मैं जो है ना अपने कुत्ते के लिए खरीद रहा हूँ। तो मुझे आपकी बात से याद आया एक हमारे दोस्त थे दीनानाथ मिश्रा जी, बड़े विद्वान RSS के कर्मठ कार्यकर्ता थे, और उन्होंने भारत दिल्ली में न भारत के और बिहार के एडिशन के एडिटर भी थे, और वो सांसद भी बने राज्यसभा में। तो वो रोज जो है मीट ले आते थे, प्रेस क्लब आते थे, कहते मीट चाहिए और बढ़िया वाला मीट, बोटी वाला मीट ला के देना। तो ऐसे ही एक बार हमने पूछा भैया आप किसके लिए ले जा रहे हैं, कहते कुत्ते को खिलाना। तो मैंने कुत्ते को नहीं खिलाना, कुत्ता तो हड्डियाँ पसंद करता है, जो जानवर होता है उसको वो मांस पसंद होता है जो हड्डी वाला मांस होता है, बोटी वाला मांस जो है वो उसका जो मालिक है वो खाता है। तो बोले आप देखो मेरी जो है रग पे आपने हाथ धर दिया है और आप जो है ना सारा हमने मजा ख़राब कर दिया। तो खाना खुद को होता है, कुत्ते के नाम पे खरीदना है, इसलिए मोदी जी ने कहा है कि कुत्ते पालो ताकि तुम्हारा काम भी चलता रहे और तुम्हारा राज भी ना खुले। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी, बड़े हल्के फुल्के अल्फाजों में आपने और पूरा एनालिसिस किया मोदी काल का। इसी के साथ हम लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर रविंदर जी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।